नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को कहा कि वोट लेने के लिए कांग्रेस किसी भी तरह की राजनीति कर सकती है, यह कांग्रेस पार्टी के DNA में है। अगर वे वोट चाहते हैं तो वे किसी भी तरह की राजनीति कर सकते हैं और यही कारण है कि सलमान खुर्शीद ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम की तुलना एक ऐसे व्यक्ति यानी कि राहुल गांधी से की है जो बाहर हैं, जमानत और भारत के लोग उसे जवाब देंगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर छूटे व्यक्ति की भगवान राम से तुलना करना पूरी तरह से चाटुकारिता है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की जीत साफ दिखाई दे रही है और यह वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस नेता केवल वोट के लिए राजनीति करने से नहीं हिचकिचाएंगे, यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के DNA में है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि PV नरसिम्हा राव या सीताराम केसरी को उचित सम्मान क्यों नहीं मिला, चाहे वह लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या डॉक्टर VR अम्बेडकर या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, किसी भी कांग्रेस ने उनका वाजिब सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा डॉक्टर VR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1990 और 1991 में भारत रत्न मिला था, हालांकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनके ही मंत्रिमंडल में भारत रत्न दिया गया था। यहां तक कि राजीव गांधी को भी 1991 में भारत रत्न मिला था। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।